हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडीज टुडे। आज की वीडियो में हम लोग एक मिनट, क्या हुआ? वीडियो में कुछ दिख नहीं रहा। अरे एक मिनट यार, लाइट तो ऑन करने दो। सो हे गाइस, वेलकम टू स्टडीज टुडे। जैसा कि आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो में हम लोग लाइट के बारे में बात करने जा रहे हैं और लाइट से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइज, लाइट जो है वो भी एक तरह के एनर्जी का ही फॉर्म है जो चीज़ों को देखने में हमारी हेल्प करती है। बिना लाइट्स के हम लोग कुछ भी नहीं देख सकते, ये आप सबको मालूम है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार हमें दिन में बिना बल्ब वगैरह ऑन किए ही सब कुछ दिख जाता है, ये कैसे? तो गाइज, इसका एक बड़ा सिंपल सा रीज़न है, सन। जो सन है वो हमारी हेल्प करता है दिन में देखने के लिए। सन के पास लाइट है और उस लाइट को वो अर्थ तक भेजता है, जिसकी वजह से हमें सारी चीज़ें नज़र आती हैं। अब जैसे सन के पास अपनी खुद की लाइट है, उसी तरह से और भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे लाइट बल्ब है, जलती हुई कैंडल है, ट्यूबलाइट्स हैं, जिनकी खुद की लाइट होती है, और उस तरह के ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। और इसी का अपोजिट, वो ऑब्जेक्ट्स जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती, उन्हें हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। जैसे टेबल हो गया, हमारा बोर्ड हो गया, ठीक है, हमारा पेन हो गया, और भी बहुत सारी चीजें आप सबको मालूम है। सो यहाँ पर एक फैक्ट कि मून जो है उसके पास खुद की लाइट नहीं होती, मतलब मून एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। तो आप सोचोगे कि यार सर कैसी बातें कर रहे हो, हमको तो मून रात को चमकता हुआ दिखता है, वो कैसे फिर? तो आंसर ये है कि जो मून है वो खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं करता, वो जो सन की लाइट आ रही होती है उसको रिफ्लेक्ट करता है, जिससे हमें मून दिखाई देता है। इसी बेस पे चलिए हम बात कर लेते हैं कि लाइट रिफ्लेक्ट कैसे करती है। तो फॉर एग्जाम्पल, आप एक रूम में हो जहाँ पर बहुत अंधेरा है, और उस रूम में एक टेबल रखी हुई है। अब टेबल के पास अपनी खुद की लाइट तो नहीं है जिससे वो आपको दिख जाए, तो आप क्या करोगे, उस रूम में लाइट ऑन करोगे, मतलब एक बल्ब ऑन करोगे। अब बल्ब हमारा होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, वो क्या करेगा, वो अपनी लाइट प्रोड्यूस करेगा। अब बल्ब से लाइट प्रोड्यूस होगी और टेबल तक पहुंचेगी, और टेबल की सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर वो लाइट हमारी आंखों तक पहुंचेगी, जिससे हमें टेबल दिखने लगेगी। इसी पूरे प्रोसेस को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ पर एक फैक्ट है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है। अगर आप वीडियो में भी देख रहे हो तो यार देखो कितनी, मतलब एक सिंपल स्ट्रेट लाइन में लाइट ट्रेवल कर रही है, रिफ्लेक्शन से पहले भी और रिफ्लेक्शन के बाद भी। सो नेक्स्ट थिंग इज कि क्या आपको पता है कि लाइट का कलर क्या होता है? लेट मी एक्सप्लेन गाइस, लाइट का जो कलर होता है वो होता है वाइट। लेकिन लाइट में रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट, ये सभी 7 कलर्स प्रेजेंट होते हैं, और इन सारे कलर के कॉम्बिनेशन से ही बनता है लाइट का वाइट कलर। अब आप बोलोगे सर हम ऐसे कैसे मान ले, हमें थोड़ी ना इतने कलर्स में लाइट दिखती है। तो गाइज, इसका बड़ा एक सिंपल सा प्रैक्टिकल है। आप स्क्रीन पे देखो तो लाइट की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो बेंड होती है। अब यहाँ पर हम लाइट को प्रिज्म के थ्रू पास कराया जा रहा है, तो प्रिज्म लाइट को बेंड कर देता है, जिससे उसके सभी कलर्स स्प्लिट हो जाते हैं और हमें 7 कलर्स की लाइट दिखती है, जिसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। अगर आप इसको लाइव देखना चाहते हो तो आपने बारिश के मौसम में रेनबो को जरूर देखा होगा। उस टाइम पे प्रिज्म की तरह ही पानी की बूंदें लाइट को स्प्लिट करती हैं, जिससे 7 कलर्स का रेनबो बनता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। तो नेक्स्ट हमारा एक है फैक्ट कि क्या आपको पता है कि ट्रैफिक लाइट्स में रेड, येलो और ग्रीन कलर की लाइट्स क्यों यूज करी जाती है? लेट मी एक्सप्लेन। तो जैसा कि अभी हमने सीखा कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करने पर बेंड हो जाती है, और बेंड होने पर वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। तो जब लाइट 7 कलर में बेंड होती है तो रेड, येलो, ऑरेंज और ग्रीन कलर ऐसे होते हैं जो बहुत कम बेंड होते हैं, क्योंकि इन कलर्स की वेवलेंथ ज़्यादा होती है। अब ये वेवलेंथ क्या होती है यार, इन सब टेक्निकल टर्म्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे आप नेक्स्ट वीडियो देख पाओ। तो क्योंकि ये चारों कलर्स कम बेंड होते हैं, इसलिए ये कलर्स ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकते हैं, मतलब ये काफ़ी दूर से ही दिखाई दे सकते हैं। और क्योंकि हम इन कलर्स को ज़्यादा दूर से देख सकते हैं, इसलिए इन्हें ट्रैफिक लाइट्स में यूज़ किया जाता है कि बाई चांस कोई गाड़ी भीड़ में आ रही है तो उसको दूर से ही दिख जाए कि आगे रेड सिग्नल है या येलो सिग्नल है या ग्रीन सिग्नल, और वो उसके हिसाब से अपनी स्पीड को मेंटेन कर ले। और सिर्फ ट्रैफिक लाइट्स ही नहीं, और भी जगह हैं जहां पर इन कलर्स को यूज किया जाता है,
जैसे वार्निंग एरियाज में, रोड के साइन बोर्ड्स में, या फिर जहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट होती है वहाँ पर येलो कलर का बोर्ड लगाया जाता है, फायर ब्रिगेड का कलर भी रेड होता है, स्कूल की बसेस को भी येलो पेंट किया जाता है ताकि वो भी ट्रैफिक में आसानी से दिख जाए। और भी बहुत सारी जगह है जहाँ पर इन कलर्स को इनकी प्रॉपर्टी की वजह से यूज किया जाता है। तो अगर आपको भी ये सारे कलर्स नजर आते हैं या फिर आपको पता है कि और कहाँ कहाँ इन्हें यूज किया जाता है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।